वेलकम टू यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि काउंटिंग फिगर का एक्सरसाइज नंबर 2 ये टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके सीडीएस कैट लेवल के एग्जाम के पेपर में आते हैं ऐसे सवाल, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब 100% करिएगा। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल यानी ट्रायंगल को ज्ञात करना यानी त्रिभुज को पता लगाना है, कितने त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज पता लगाना है कितने त्रिभुज है। ठीक फ्रेंड्स, दोनों में त्रिभुज ही पता लगाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 ये 4 है, उसके बाद ये 5, ये क्या है हमारा 5 6 7 और ये बड़ा वाला 8 हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला देखिए 9। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद ये वाला देखिए 10, उसके बाद ये वाला देखिए 11, उसके बाद ये वाला 12। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद ये वाला देखिए 13 है ना, उसके बाद देखिए ये वाला बड़ा वाला सबसे बड़ा 14, उसके बाद बनता क्या ये वाला देखिए 15। ठीक फ्रेंड्स, 15 हो गया ना, तो कितने त्रिभुज हुए 15। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अगर ये क्वेश्चन दोबारा देखना है तो वीडियो रिपीट करके फिर से देखिएगा। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रायंगल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 6 क्या होता है 18 यानी 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 6 बार है तो 3 6 18 यानी 18 आ गया हमारा जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फ्रेंड ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपको सर्किल पता करना है कि कितने सर्किल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कितने सर्किल है 11 यानी 11। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्क्वायर यानी वर्ग कितने हैं यही हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल भी और पैरेलल भी समान है, तो इसलिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक फ्रेंड्स, यानी दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों समान है, तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगेगा। क्या है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर और चौथे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर 1, दूसरे का स्क्वायर 4, तीसरे का स्क्वायर 9, उसके बाद चौथे का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यही होगा। तो उसके बाद देखिए 9 1 10 10 4 14 14 6 20 10 30 तो कितने स्क्वायर हुए 30। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड ये देखिए हमारा 5 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको ट्रायंगल पता करना है, उसके बाद ये दूसरा त्रिभुज है, मतलब ये आयत भी है त्रिभुज भी है, इसमें भी आपको ट्रायंगल पता करना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल यानी कितने ट्रायंगल हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले 5 को। तो देखिए ये 1 2 ये 3 4 5 और ये 6 7 8 और ये वाला 9 10 11 और ये जो बड़ा वाला है क्या हो गया 12 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं 12 है। और वैसे भी आप देखिए एक छोटा वाला, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 2 6 3 3 9 और ये बड़े वाले में भी 3 है, 3 4 12, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। फ्रेंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 हो गया। अब देखिए 13, अब ये देखिए 14, ये देखिए 15, ये देखिए 16,
ये देखिए 17, ये देखिए 18, ये देखिए 19 और ये देखिए 20, ठीक है। और ये हो गया बड़ा वाला 21, यानी अगर इधर 21 है और इधर भी तो 21 ही होगा, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद ये 20, 21, 21 क्या हो गया, 42 हो गया। उसके बाद 42, 43, 43 और ये वाला 44, 44 हो गया। उसके बाद ये देखिए 45 हो गया, ये वाला 45 और ये वाला 46, 46, ये वाला 47, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद ये वाला 48, 48, तो कितने हो गए 48, जो हमारा क्या हुआ राइट आंसर, ठीक फ्रेंड्स। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको ट्रायंगल पता करना है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इधर है, यानी 6 इधर है और इधर भी क्या है 6 है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, यानी इधर भी 4 है और क्या है हमारा इधर भी 4 है, ठीक फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए आप काउंट करिए तो हो गया 6, 6, 12 और 4 क्या हो गया इस्माल कितने हैं 20। उसके बाद देखिए डबल वाला, डबल वाला कितने हैं देखेंगे, तो देखिए 1, ये है 1, 2, 3, 3 हो गया। उसके बाद देखिए 4, 5, 6, 7, उसके बाद देखिए ये वाला 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद देखिए बड़ा वाला 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसके बाद ये 20 हो गया ना, यानी बड़ा वाला और डबल वाला मिला के कितने हो गए, बड़ा बी प्लस डबल कितने हो गए 20। उसके बाद देखिए कितना बच रहा है, ये देखिए 20, उसके बाद ये देखिए 20, ध्यान से देखिएगा 1, ये वाला 1, उसके बाद यहाँ से देखिए 2, ये 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा 3, यानी ये फिगर कितने हैं 3, यानी कुल मिला के कितने हो गए आपके 43 हो गए। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 43 है, लेकिन एक ऑप्शन में आपका दिया है 35 और मोर देन, यानी 35 से ज्यादा, तो हमारा क्या हो जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक फ्रेंड्स। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए इस ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको ट्रायंगल पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल होंगे। तो आइए अब देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे तो 14 है। उसके बाद ये देखिए 15, उसके बाद ये वाला देखिए 16, उसके बाद ये वाला बड़ा वाला 17, आइए अब इसमें 18, 19 और उसके बाद ये बड़ा वाला 20, 21, 22, 23, उसके बाद देखिए ये वाला 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29, तो कितने हैं 29 फिगर हैं, मतलब 29 ट्रायंगल हैं जो हमारे किसी ऑप्शन में है नहीं। इसमें देखिए ऑप्शन बी में 23 है, ऑप्शन ए में 27, ऑप्शन सी में 21 है, बट एक ऑप्शन में हमारा दिया है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 9 में क्या करना है आपको, इसमें से आपको स्क्वायर ज्ञात करना कि स्क्वायर कितने होंगे, ठीक फ्रेंड। तो आइए देखते हैं, जैसे ये देखिए 1 छोटा वाला, ये 2, उसके बाद 3, 4, उसके बाद ये वाला देखिए 5, उसके बाद ये वाला 6, उसके बाद ये बड़ा वाला कितना हो गया 7, तो हमारा ऑप्शन बी में है जो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी स्क्वायरों की संख्या कितनी है
सेवन है। ठीक फ्रेंड्स, फिर से देख लेते हैं, देखिए फिर से देखते हैं, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये बड़ा वाला क्या है सेवन। ठीक फ्रेंड्स, तो कितने त्रिभुज हो गए, स्क्वायर कितने हुए सेवन। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। चलिए फ्रेंड, ये देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी टेन क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कि हम स्क्वायर कितने हैं, तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले वन टू थ्री, इधर भी यानी वर्टिकल भी थ्री है और हॉरिजॉन्टल भी यानी क्षैतिज भी थ्री है और क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर भी थ्री है यानी तीन है। तो इधर से भी थ्री है, इधर से भी थ्री। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या था, स्क्वायर करना है। ठीक है, जब समान समान बॉक्स रहे तो एक का स्क्वायर जितने भी बॉक्स रहे उसकी का स्क्वायर कर देंगे, तो दो का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए वन का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर क्या होता है बताइए नाइन। तो इसको काउंट करेंगे तो नाइन और एक टेन, टेन और एक ये फोर्टीन, फोर्टीन ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए वन टू थ्री फोर और ये फोर और काउंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एट्टीन। अब देखिए हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से काउंटिंग फिगर का लेक्चर दिया और अच्छे से पढ़ाया इस लेसन को। तो वीडियो कैसा लगा, और इस लेसन को अगर देखने इससे पहले अगर चार लेसन बनाए हैं उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8935094225 पे, इस पर आप व्हाट्सएप कोई भी क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।